हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मेरी आपके लिए मनोकामना है। आज का जो सेशन है, दैट्स ऑल अबाउट मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, मारुति की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी। इस कार की सेकेंड जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए ड्यू है और बताने वाला हूँ क्या क्या परिवर्तन आपको मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में आने वाले समय में मिलने वाले हैं। देखिए, ब्रेजा के बारे में जान लीजिए। इट्स ऑलरेडी अ लीडर विद ऑलमोस्ट 6 लाख कार्स विच हैव बीन सोल्ड इन इंडियन मार्केट। और ब्रेजा मारुति की एकमात्र कार है जिसने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाई है। दिस इज़ द सेफेस्ट कार फ्रॉम मारुति सुजुकी पोर्टफोलियो विच इज़ मार्क्ड कि इस कार का स्ट्रक्चर स्टेबल है डिस्पाइट ऑफ 64 किलोमीटर क्रैश टेस्ट। ब्रेजा की जो ड्राइव है, जो हैंडलिंग है, जो डायनामिक्स है, वो कंपेयर टू द मारुति सुजुकी कार्स बेहतर है। मारुति की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक कार मॉडिफाई कर रखी है इंडियन मार्केट के लिए। और इस कार में कंपनी 2022 जो एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ कोविड, अर्लियर इस कार का जो अगला जनरेशन है 2021 में लॉन्च में एक्सपेक्टेड था, बट डाउट ड्यू टू कोविड द लॉन्च इज शेड्यूल इन 2022 फर्स्ट हाफ, मोस्ट लाइकली बाय मार्च अप्रैल 2022। और कार का जो सबसे मेजर आपको चेंज मिलेगा साहब, वो मिलेगा कार के चैसी प्लेटफॉर्म में। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को भी हार्ड टेक चैसी प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाली है। और इस हार्ड टेक चैसी प्लेटफॉर्म का आइडिया ये है दैट दिस कार वुड बी इवन मोर स्पेशियस इन इनसाइड, कार वुड बी मोर लाइट वेट, तो कार की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी, कार वुड बी मोर स्पेशियस इन केबिन, बूट स्पेस बड़ी होगी। सेफ्टी के मामले में बात करेंगे क्योंकि ब्रेजा की जो सबसे खास बात है वो यही है कि इट स्कोर 4-स्टार इन सेफ्टी क्रैश रेटिंग इन ग्लोबल एनकैप, स्ट्रक्चर वॉज मार्क स्टेबल। क्या हार्ड टेक प्लेटफॉर्म के बाद ये कार सेफ्टी के मामलों में बेहतर होगी वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो मेजर परिवर्तन है वो कार के प्लेटफॉर्म में होगा। कार का जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो इट बी मोर फन टू ड्राइव ऑल्सो। तो दूसरा परिवर्तन मारुति सुजुकी करेगी कार के अंदर, वो करेगी कार के हार्ट में, यानी कार के इंजन में। मारुति सुजुकी टू बी मेकिंग बैक टर्न अराउंड ऑफ 1.5 DDS 225 डीजल इंजन टू बी कंप्लाइड इन BS6 नॉर्म्स। यस, ब्रेजा के अंदर आपको मारुति सुजुकी अब डीजल इंजन भी लेके आएगी, क्योंकि भाई जो वेन्यू है, जो सोनेट है, जो एको स्पोर्ट है, नेक्सॉन है, उनकी सेल्स डीजल में इट्स गुड 30-40% एंड मारुति सुजुकी समहाउ इज लूजिंग द डीजल शेयर। जब DDS इंजन आया था 2019 में, ट्रस्ट मी इट वॉज वेरी रिफाइंड, मारुति का इनहाउस इंजन था, पहले फीएट सोर्स इंजन आता था। अब इस इंजन पे मारुति सुजुकी काफ़ी टाइम से काम कर रही है इंटरनली टू मेक इट BS6 कंप्लायंट। ड्यू टू कोविड समहाउ जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिलेड हो गया है, लेकिन 2022 के अंदर जब ब्रेजा अगले जनरेशन में लॉन्च होगी तो आपको DDS 225 डीजल इंजन में कार उपलब्ध होगी। साथ में जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। अभी केवल ऑटोमेटिक के अंदर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको 1500cc पेट्रोल इंजन हाइब्रिड के अंदर मिलेगी, विच वुड इम्प्रूव द कार ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी आल्सो। नंबर 3, अब साहब मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर जो एग्जिस्टिंग बात है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, जो कार के इंटीरियर्स है, जो कार के केबिन एस्थेटिक्स हैं, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी येस्टर ईयर्स वाली लगती है। जो स्टीयरिंग व्हील का लेआउट है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो इंटीरियर थीम है, इट फील्स लाइट डेटेड। अगर आप सोनेट से कंपैरिजन करेंगे, वेन्यू से कंपैरिजन करेंगे, एको स्पोर्ट से, नेक्सॉन से, समहाउ ब्रेजा के इंटीरियर्स लोगों को उतने नहीं भा रहे हैं, तो वो एक कमी है। और इसलिए मारुति सुजुकी ब्रेजा के अगले जनरेशन में जो काम करेगी वो इंटीरियर एस्थेटिक्स में करेगी। आपको जो एस क्रॉस वाले इंटीरियर थीम है, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिलेगा, इंटीरियर्स आपको और अप मार्केट मिलेंगे और प्लश मिलेंगे, वो एक बड़ी हाईलाइट रहेगी। फीचर्स में भी कंपनी अपग्रेडमेंट करेगी ताकि कार आपको और स्टाइलिश मिले। सो दिस वुड बी अ बिग चेंज इन ब्रेजा 2022। इंटीरियर्स में स्पेस बेहतर होगी, केबिन के प्लास्टिक क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी, केबिन के जो एस्थेटिक्स है वो आपको बेहतर मिलेंगे। नंबर 4, साहब कार का जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रेजा के अंदर कंपनी इज ऑफरिंग 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। समाओ ये 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो है वो सोनेट के DCT से, वेन्यू के DCT से, एको स्पोर्ट के 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से थोड़ा सा ना पीछे दिखाई देता है। इसलिए आई कैन टेल यू डैट मारुति सुजुकी इंटरनली इज वर्किंग ऑन कि बलिनो में CVT आता है, यही CVT को वो 1500cc पेट्रोल इंजन में भी लेके आने का पूरा प्लान कर रही है। एंड नॉट ओनली ब्रेजा बट इवन सियाज में, एस क्रॉस में भी ये 1500cc पेट्रोल इंजन आपको आने वाले समय में
CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में मिलेगा। तो नज़र रखिए अगर आप एक ऑटोमेटिक कार चाहते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, बिकॉज ब्रेजा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपको CVT भी उपलब्ध होगा। एंड नंबर 5 साहब, सेफ्टी के हिसाब से जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट छेड़ा था आपसे, देखिए सेफ्टी के हिसाब से जान लीजिए, ब्रेजा का जो प्लेटफॉर्म है वो तो ठीक है, इट वुड बी बेस्ड ऑन अ हार्ड टेक चेसिस प्लेटफॉर्म। उसकी क्या रिजिडनेस है कि वो कंपनी आने वाले समय में बताएगी, लेकिन कार में आपको मिलेंगे इम्प्रूव सेफ्टी फीचर्स। आई कैन टेल यू डेट ब्रेजा नेक्स्ट जनरेशन वुड बी गेटिंग, उनकी सारी कार्स में अभी ड्यूल एयरबैग्स आते हैं, ब्रेजा के टॉप मॉडल 2022 में आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स। फाइनली येस, साइड एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग वुड बी इंट्रोड्यूस इन ब्रेजा नेक्स्ट जनरेशन, और साथ में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इन द नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो सेफ्टी फीचर्स आपको पहले से बेहतर मिलेंगे, बिल्ड के हिसाब से देखते हैं क्या लेके आती है, वो तो क्रैश टेस्ट में पता लगेगा, लेकिन समहाउ दिस हार्ड टेक प्लेटफॉर्म डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन मारुति सुजुकी आर्टिगा। इवन जो एग्जिस्टिंग एस क्रॉस है वो भी इसी हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, तो ब्रेजा में भी ये हार्ड टेक प्लेटफॉर्म आएगा। लेट सी व्हाट द क्रैश टेस्ट से, बट द इम्प्रूव सेफ्टी विद द इम्प्रूव स्पेस विद द इम्प्रूव माइलेज विद द इम्प्रूवमेंट इन कार इंटीरियर सर्टेनली ब्रेजा वुड बी मोर एट्रैक्टिव सो एज टू कंसिडर इन 2022। तो एक ज़रूरी आपके लिए सूचना थी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के बारे में। आप मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा प्लान कर रहे हैं या कोई भी और कॉम्पैक्ट SUV प्लान कर रहे हैं, इको स्पोर्ट, नेक्सॉन, XUV 300, या आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो साहब माइकर हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। या आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आइए, वी विल असिस्ट यू विद द बेस्ट कार फॉर यू बेसिस योर खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट कार आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आई एम श्योर योर एक्सपीरियंस वुड बी फेयरली गुड इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग योर नेक्स्ट न्यू कार। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकल हेल्पलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कैसा लगा ये वीडियो बताइए। थैंक यू।